पूजा होती है हमारे स्कूल में, घर में, तो हम मंदिर में, घर में, ऑफिस में, क्लास में सजावट करते हैं। राजस्थान में कुछ बच्चे गरीब होते हैं, वो गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं होते जो बाजार मार्केट जाकर कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ सामान खरीद कर लेके आ सकते हैं। वो गरीब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कुछ कलर पेपर जो बेकार वेस्ट होते हैं, उन कलर पेपर से वो अपने हाथों से अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं। पर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। ये मैंने कलर पेपर, ये कलर पेपर लिया है। हम इस कलर पेपर को ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इस कलर पेपर का एक छोटा सा एक रोल बना देंगे। हम इस कलर पेपर का एक छोटा सा रोल बना देंगे, और रोल बनाने के बाद अगर हमें इसके अंदर में दूसरा पेपर ज्वाइन करना है तो हम करेंगे, पर दूसरा पेपर जब हम लगाएंगे तो बाहर से नहीं, पेपर हम लगाएंगे अंदर से। ये दूसरा पेपर मैंने लिया है, पेपर बाहर से नहीं लगाएंगे, पेपर हम अंदर वाली साइड से लगाएंगे, और पेपर का एक छोटा सा ये रोल बनाइए। अभी मैंने लगाया इसके अंदर में दो पेपर मैंने लगाया आपके सामने। इसके अंदर में दो पेपर ज्वाइंट होने के बाद ये मैंने लिया है तीसरा पेपर। मैंने आपके सामने पेपर लगाए तीन, पर आप घर जाकर तीन भी लगा सकते हैं, चार भी लगा सकते हैं, पांच भी लगा सकते हैं, एक से लेकर आप 10 तक पेपर लगा सकते हैं। पेपर रोल करने में ना कोई गिनती है ना ही कोई नंबर है, जितने पेपर्स आप लगाओगे उतना अच्छा डिजाइन आपके सामने आएगा। तो अभी मैंने इसके अंदर में लगाए तीन पेपर। पेपर जब रोल होने के बाद, हमारे घर में छोटा बड़ा कैंची तो होता है ना, होता है सबके घर में होता है, छोटे बड़े कैंची से हमें इसके अंदर में सिर्फ तीन कट लगाने। कितने कट? तीन कट। फर्स्ट, पहले एक छोटा पाइप इस तरफ, बड़ा पाइप इस तरफ। फर्स्ट पहले हम स्मॉल हाफ कट, बॉटम साइड, इसके पास वाले साइड में आधा, तो इसमें लगाया मैंने अभी दो कट, इनके हिस्से बन जाएंगे तीन, ऐसे एक दो तीन। बीच वाले हिस्से को कैंची से हमें बीच में से काटना है। काटने के बाद कटे हुए पेपर को जब हम फोल्ड करेंगे तो इंग्लिश का एक कैपिटल नेम आपके सामने तैयार हो जाएगा। प्लीज आप मिलकर बताएंगे इंग्लिश कैपिटल नेम कौन सा बन गया आपके सामने। टी। अच्छा लगने से ग्लास, बॉटल, ऑफिस, क्लास रूम में रखेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इसमें से फर्स्ट पेपर पकड़कर स्लोली हम इन्हें ओपन करेंगे, तो टी से आपके सामने एक खूबसूरत डिजाइन, एक टी से आपके सामने एक क्रिसमस ट्री ऐसे तैयार, एक टी से एक क्रिसमस ट्री आपके सामने इस तरह से तैयार, एक टी से क्रिसमस ट्री बनाकर आप अपने स्कूल, ऑफिस, क्लास, घर, मंदिर, आने वाले फेस्टिवल त्यौहार में सजाओ, एक डेकोरेशन। फर्स्ट पहला डिजाइन, नेक्स्ट मैं आपको और दूसरा डिजाइन बनाने जा रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, ऐसे बनाने में अपने जब कोई पूजा होती है, ऐसे बनाने में जब हम घर में मंदिर में रखेंगे अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? अच्छा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज बस आप आपस में बातें नहीं करें। रोल बनाने का तरीका सेम है पर काटने का तरीका वो अलग अलग है। अभी लगाया मैंने इसके अंदर में एक पेपर और ये दूसरा पेपर, दूसरा पेपर भी जब हम ज्वाइन करेंगे तो बाहर से नहीं, पेपर अंदर से, ऐसे ये लगाया मैंने इनके अंदर में दो पेपर। गर्ल्स और बॉयज प्लीज आप मुझे ये बताएंगे, ऐसा रोल आप तो बना सकते हो ना? इसमें लगाया मैंने तीन पेपर, पर इसके डिजाइन आपके सामने एक नहीं, इनके डिजाइन आपके सामने बनेंगे तीन। कितने डिजाइन? तीन। पेपर तीन और डिजाइन भी आपके सामने इनके बनेंगे तीन। ये मैंने तीन पेपर का एक छोटा सा रोल बनाया, छोटे बड़े कैंची से, बस हमें पाइप का एक छोटा सा पाइप इस तरफ, बड़ा वाला पाइप इस तरफ, छोटे वाले बड़े वाले पाइप के बीच में आधा कट लगाना है, स्मॉल हाफ कट। बड़े वाले हिस्से को हम नीचे बिठाएंगे और बड़े वाले हिस्से को हम कैंची से बीच में से काट देंगे, ऐसे। काटने के बाद कटे हुए पेपर को अलग करेंगे, कुछ वेस्ट पेपर आ जाते हैं, वेस्ट पेपर को हटाना है।
पिंक कलर पेपर्स को ऊपर करना है, ग्रीन वाले पेपर को नीचे। पिंक कलर पेपर्स को सीजर थ्रू हमें ग्राउंड कट एक गोल आकार से काटना है ऐसे, और ग्रीन वाले जो पेपर होते हैं उन्हें एक पान और पत्ती, पान और पत्तियों के आकार से काटना है, एक चाकू चम्मच के आकार से काटना है ऐसे, एक पान पत्ती और चाकू चम्मच के आकार से काटना है। पेन या पेंसिल हमारे पास होता है, पेन या पेंसिल से पिंक कलर पेपर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिंगर थ्रू पेपर्स को ऐसे क्रैक करेंगे, पेपर्स को ऐसे दबा देंगे, दोनों साइड से छोटे छोटे कट लगाएंगे, बल्कि एक छोटा सा कट हमें यहाँ से लगाना है पाइप को और छोटा सा कट यहाँ से। मैंने इनके अंदर में तीन पेपर लगाए थे और इसके डिजाइंस बनेंगे तीन। फर्स्ट पहला डिजाइंस, पहला पेपर पकड़ेंगे और धीरे से हम ऊपर की ओर खींचेंगे तो आपके सामने एक पहला डिजाइंस इस तरह से तैयार होगा। फर्स्ट पहला डिजाइंस अच्छा लगने से ग्लास बॉटल्स ऑफिस क्लास रूम में रखेंगे अच्छा लगने से। अगर आपको अच्छा लगा तो आप रखेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम इसे तोड़कर फेंकेंगे नहीं ऐसे। इसका नाम है आइस ट्री, क्या बोलते हैं आइसक्रीम। अच्छा लगने से हम इन्हें ग्लास या बॉटल में रखेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसे तोड़कर फेंकेंगे नहीं। और नेक्स्ट अगर दूसरा डिजाइन आप बनाना चाहते हैं पुश डाउन पेपर, सभी पेपर्स नीचे बिठा देंगे और सभी पेपर्स को मोड़ देंगे ऐसे। इसे बोलते हैं दिल्ली का कुतुब मीनार। नहीं सच्ची में इसे ऊपर चढ़कर पूरा दिल्ली दिखाई देता है। आपने पहले कभी दिल्ली देखा है? नहीं। आप देखना चाहते हैं? हाँ। घर बैठे बनाकर देख सकते हैं। कुछ पेपर उंगलियों से वेस्ट हो जाते हैं, उन पेपर को हमें काट कर हटाना है। अगर आपको ये भी अच्छा लगा तो आप ये भी रख सकते हैं, अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगा तो हम इसे भी तोड़कर फेंकेंगे नहीं। अगर हमें तीसरा डिजाइन बनाना है सभी पेपर स्लोली नीचे बिठाएंगे तो खूबसूरत आपके सामने एक रोज फ्लावर गुलाब का फूल कमांड होगा।